हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखते हैं अपना नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। ईएफटी का नया कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट करंट एंड करंट डेंसिटी अपना नया टॉपिक है, जिसमें हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और करंट डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद एक न्यूमेरिकल या डेरिवेशन करने के लिए बोलते हैं तो डेरिवेशन करके देखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो क्या है अपना, किसकी हेल्प लेता है? अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ की हेल्प से क्या, एम्पियर लॉ क्या डिफाइन करता है अपने को? इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू इंटू आई, कितना अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ होता है। एम्पियर लॉ ये अपने को डिफाइन करता है। लेकिन अपना ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है, मैक्सवेल इक्वेशन क्या डिफाइन करता है अपने को? जो मैक्सवेल इक्वेशन डिफाइन करता है कि एक सर्किट में कंडक्शन करंट के अलावा भी एक करंट होती है जिसे डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से जानते हैं। तो इसको मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू आई प्लस आई डी। आई प्लस आई डी मतलब आई कौन सा होता है? कंडक्शन करंट, एंड आई डी कौन सा होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी इन दोनों को एडिशन से मिलकर बना होता है आई प्लस आई डी करंट, जो टोटल करंट होती है सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच कम to the play in the region of electric field and electric flux in changing with time। मतलब क्या होता है, जब electric field and electric flux जो both are changing with time, तो time के साथ changes हो रहे हैं, तब अपने एक current circuit में एक current define होती है जिसको displacement current बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ अपना current displacement current का। next अपन देखते हैं अभी जो numeric जो derivation आता है, कि derivation करने के लिए अपना define क्या है, करंट डेंसिटी के लिए जो जनरेट करना है अपने को, डेरिवेट करना है, वो देखते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन में, क्या गिवन है अपने को? क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी अपन ने डिस्प्लेसमेंट करंट का देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है। अब करते हैं क्या, प्रूव दैट डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज गिवन बाय जे डी। तो क्या प्रूव करना है? प्रूव जे डी इज इक्वल टू डी वेक्टर अपॉन डॉट डी। डी वेक्टर क्या है अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अपना उसका। अभी अपन कैसे फाइंड करना है आपको, ये आपको प्रूव करना है। उसके लिए क्या करना है, अपने को मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करना है। मैक्सवेल का कौन सा इक्वेशन? फोर्थ इक्वेशन। क्या होता है? बाय यूजिंग मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, क्या होता है फोर्थ इक्वेशन? डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर। इक्वेशन 1 कंसिडर किया, ये अपना मैक्सवेल का इक्वेशन लिखा। अब मैक्सवेल की इक्वेशन में क्या करना है, इस पे अपन जो भी अप्लाई करना है, जो भी ऑपरेशन अप्लाई करके अपने को जे डी इज इक्वल टू डॉट डी अपॉन डॉट ई अपने को वैल्यू देना। क्या होता है, बोथ साइड अपन डाइवर्जन लेते हैं। डाइवर्जन क्या होता है? डेल से मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। टेकिंग डाइवर्जन ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा? डेल डॉट डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू डेल डॉट जे वेक्टर। अब अपन जब भी क्रॉस प्रोडक्ट एंड डेल जो डॉट प्रोडक्ट होता है जिसमें दो वेक्टर सिमिलरली मिल जाता है, वो टर्म का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। मतलब क्या हो, ये टर्म अपना क्या हो गया? जीरो प्लस बाय जीरो। जीरो इज इक्वल टू डेल डॉट जे वेक्टर। अपने पास एक नया इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं, एक कंटिन्यूटी का इक्वेशन भी होता है। तो क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या डिफाइन करता है? del dot j vector is equals to minus del d vector upon del, del upon del t into rho v। rho v क्या था? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। यानी ये होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है जो अपना प्री डिफाइन होता है डेल डॉट जे वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डो अपॉन डो टी इंटू रो वी। रो वी क्या होता है यहाँ पे? रो वी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रो होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अभी क्या कर सकते हैं आप? इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 से क्या मिलता है अपने को? बाय इक्वेशन 2 एंड 3 क्या मिलता है अपने को? डेल क्रॉस एच प्लस तो यहाँ से क्या मिलता है आप लोग? डॉल रोवी इज इक्वल टू क्या मिलता है? 0। अपने इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से मिलता है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे? 0। तो हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। लेट कंसीडर जे डी इज द डिस्टिंक्ट टर्म इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था अपना? जो मैक्सवेल का इक्वेशन था, मैक्सवेल का इक्वेशन क्या था? डेल क्रॉस एच वेक्टर। उसमें क्या कर सकते हैं? एक जे वेक्टर तो ये कंडक्शन के लिए जो करंट डेंसिटी वो हो जाएगा, और एक जे डी डिफाइन कर दिया इक्वेशन नंबर। जे डी किसके लिए है? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के लिए। ठीक है, तो अपना इक्वेशन नंबर ये 4 है। अब क्या कर सकते हैं अपन? फिर से अपन करते हैं बाय टेकिंग डाइवर्जेंट ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को? कि रो भी अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 0 हो गया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब 0 नहीं हो सकता कब वो, तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? एक और टर्म होगा जेडी जो मिसिंग है, मिसिंग टर्म अपने को इक्वेशन में। ठीक है, डाइवर्जेंट टेक डाइवर्जेंट तो क्या होता है? डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डॉट जे वेक्टर इज इक्वल प्लस डेल डॉट जे डी। ठीक है, ये अपना होता है। अब इसका वैल्यू क्या आया था? 0 आया था। यहाँ पे क्या मिलता है अपने को? डेल डॉट, इसका वैल्यू भी 0, डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल डॉट जे डी। तो यहाँ से डेल डॉट जे डी का वैल्यू क्या मिल रहा है? डेल डॉट जे डी क्या मिल रहा है? माइनस ऑफ डेल डॉट जे वेक्टर अपॉन डेल टी। करेक्ट, ये टर्म को उधर गया तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल डॉट जे डी क्या मिलेगा अपने पास? डेल डॉट जे डी वैल्यू माइनस, और इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ से अपन माइनस डेल वी माइनस ऑफ माइनस डेल रो वी अपॉन डॉट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो डेल डॉट जे डी क्या मिलेगा आपको? यहाँ से डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू क्या मिला है आपने को? डो अपॉन डॉट टी रो वी। ठीक है, अब क्या यूज करते हैं? मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन बाय यूजिंग मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। यानी डेल डॉट डी होता है वो किसके इक्वल होता है? रो वी। रो वी मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। तो यहाँ पर रो वी की जगह क्या पुट अप कर सकते हैं अपन? del dot JD is equals to del upon del T into del dot D वेक्टर। ठीक है, डेल को बाहर ले लेते हैं, डेल डॉट JD इज इक्वल टू del डॉट डॉ अपॉन डॉ T into D वेक्टर। ठीक है, ये टर्म को लेफ्ट साइड में लेते क्या मिलेगा, डेल डॉट JD माइनस डेल डॉट डॉ अपॉन डॉ T डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपने पास, जीरो। तो यहाँ से क्या आ रहा है, डेल कॉमन आ रहा है, डेल कॉमन लिया क्या मिलेगा, JD माइनस डॉ अपॉन डॉ T इंटू डी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। डेल को वही जीरो के अपॉन भेजे तो क्या मिलेगा, जीरो। तो यहाँ से फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा, JD इज इक्वल टू डॉ अपॉन डॉ T इंटू डी वेक्टर। ये हमें प्रूव करना था। तो करंट डेंसिटी है, JD क्या है, करंट डेंसिटी। ठीक, अपना हो गया। अब अगर इसी जगह पर मैक्सवेल का जो इक्वेशन था, इक्वेशन में JD का वैल्यू पुटअप करते हैं, इक्वेशन 4 बाय पुटिंग। अपने को आंसर तो इतना ही करना था, और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, बाय पुटिंग JD इन इक्वेशन 4। तो क्या बनेगा मैक्सवेल इक्वेशन, डेल क्रॉस H इक्वल टू J वेक्टर प्लस डॉ अपॉन डॉ T इंटू T वेक्टर। ठीक, अपना मैक्सवेल का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या बन जाएगा, आई डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ JD तो करंट डेंसिटी इंटू dS। ठीक, अपना आपने प्रूव करके देखा, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है उसका इक्वेशन देखा, उसकी डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन देखने के बाद अपन करंट डेंसिटी का अपन डिराइव किया इक्वेशन। ठीक है, होप आपको डेरिवेशन ने अच्छे से समझ में आया होगा। और भी कोई डाउट है आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और ये वीडियो का प्लेलिस्ट को आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।